तो सबसे पहले गाइस हमारे पास एक काफी सुंदर और काफी प्यारी सी एक स्पेस वाली ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें कितना स्पेस मिलता है और कितना स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। तो ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते हैं। ये देखो दोस्तों, अरे वाह, काफी सुंदर और काफी प्यारी सी एक और ज्योमेट्री बॉक्स मिली है। इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर काफी छोटी सी ज्योमेट्री बॉक्स मिली है, स्पेस भी काफी अच्छा है दोस्तों, इसमें हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं ज्योमेट्री बॉक्स की। ज्योमेट्री बॉक्स पे गाइस एक ट्रे है, ट्रे पे दोस्तों हमें टेबल देखने को मिल जाते हैं और ट्रे पे भी दोस्तों काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। ट्रे हटाते हैं तो नीचे भी काफी अच्छा स्पेस है और इस वाले कंपार्टमेंट में काफी अच्छा स्पेस है और काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। तो आपको ये स्पेस वाली ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी? और सबसे अच्छी बात है दोस्तों, ये मेटल की ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों हमारे पास क्या है। तो सर नेक्स्ट है गाइस, हमारे पास एक काफी सुंदर काफी प्यारी सी एक फायर टूर्नामेंट की पेंसिल पाउच देख सकते हो। इसका कलर कितना जबरदस्त, काफी प्यारा कलर है दोस्तों। फ्रंट में दोस्तों एक लॉक मिलता है, इस लॉक को ओपन किया दोस्तों तो कवर को हटाया तो गाइस यहां मिलता हमें नेट वाला पॉकेट देख सकते हो। काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग नेट वाला पॉकेट मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों हमें मेन जिप मिलती है और जिप पे देख सकते हो स्टार बना है जो काफी गुड लुकिंग बना रहा है इस जिप को दोस्तों। चलो ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। ओपन किया तो ये देख सकते हो इसमें भी काफी अच्छा स्पेस है और काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। तो ये फायर टूर्नामेंट की पेंसिल पाउच आपको कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। चलो साइड रखता हूं, नेक्स्ट दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास मरमेड प्रिंसेस की ज्योमेट्री बॉक्स। ये भी काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है। ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन करते ही गाइस हमें यहाँ पे एक पॉकेट मिल जाता है जिसके अंदर गाइस हम अपना क्लास शेड्यूल लिख सकते हैं और साथ ही इस पॉकेट में हम अपना आईडी कार्ड भी लगा के रख सकते हैं दोस्तों। चलो पन्नी हटाते हैं, पन्नी हटाते ही दोस्तों यहाँ देखो दोस्तों हमें एक दो तीन तीन बटन मिलते हैं साथ में। इन तीनों बटन का यूज देखते क्या है। तो पहले बटन को दबाते ही शार्पनर ऊपर आ गया। सेकंड बटन को दबाया तो ये देख सकते हो सेकंड बटन को दबाने से पेंसिल लॉक ऊपर हो जाता है। और वाह, काफी अमेजिंग और काफी जबरदस्त है यार ये। तो देख सकते हो सेकंड बटन को दबाया पेंसिल लॉक ऊपर दोस्तों, और एक कंपार्टमेंट है और इस कंपार्टमेंट में हमें दो सेक्शन देखने को मिल जाते हैं, देख सकते हो काफी अमेजिंग है। चलो तीसरे बटन को दबाते ही एक छोटा सा कंपार्टमेंट बाहर आता है और इसके अंदर गाइस हम अपनी इरेजर या कुछ भी स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं। और यहाँ हमें कैलकुलेटर मिलता है, कैलकुलेटर यूज करने के लिए दोस्तों हमें ढक्कन ओपन करना पड़ेगा। तो ढक्कन ओपन किया, ढक्कन ओपन करते फिर हम कैलकुलेटर को यूज भी कर सकते हैं, देख सकते हो काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग कैलकुलेटर मिल गया दोस्तों। तो चलो बंद करते हैं, बैक साइड देखते हैं कितना स्पेस है। बैक साइड के ढक्कन को ओपन किया तो बैक साइड में हमें यहाँ पे एक स्टिकर मिल जाता है जिसमें गाइस हम अपना नाम और क्लास भी लिख सकते हैं दोस्तों। ढक्कन ओपन किया, ढक्कन ओपन करते ही एक कंपार्टमेंट मिलता है और इस कंपार्टमेंट में दोस्तों काफी अच्छा स्पेस है और काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। तो आपको ये मर्मेड प्रिंसेस की तीन बटन वाली ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये देख सकते हो कितनी लंबी ज्योमेट्री बॉक्स है और कितनी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों। चलो साइड रखता हूं, नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक छोटा भीम की ज्योमेट्री बॉक्स। ये देख सकते हो कितनी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है। और इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें दो लॉक मिलते हैं, ये देख सकते हो एक इधर लॉक मिला और एक इधर लॉक मिला दोस्तों, ये देख सकते हो। ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते हैं ये देख सकते हो एक कंपार्टमेंट मिलता है और इस कंपार्टमेंट में भी काफी अच्छा स्पेस और काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। चलो बंद करते हैं, सेकंड ढक्कन को ओपन करते हैं एक कंपार्टमेंट मिलता है और इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें एक दो तीन चार चार सेक्शन मिलते हैं। इसमें गाइस हम अपनी पेंसिल रख सकते हैं, इसमें गाइस इरेजर शार्पनर रख सकते हैं और भी कई तरह की स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। तो आपको ये छोटा भीम की ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इस ज्योमेट्री बॉक्स को 80 रुपीज के परचेज किया है और मर्मेड प्रिंसेस की ज्योमेट्री बॉक्स को मैंने 250 रुपीज की परचेज करी है। स्पेस वाली ज्योमेट्री बॉक्स को 100 रुपीज की परचेज करी है और फायर टूर्नामेंट की पेंसिल पाउच को दोस्तों मैंने 150 रुपीज की परचेज करी है। तो ये थी चार ज्योमेट्री बॉक्स। आपको चारों ज्योमेट्री बॉक्स में सबसे अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स कौन सी लगी गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों और चैनल को कर देना सब्सक्राइब कर रखा है। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे से कलेक्शन के साथ, अच्छे से अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ। जब तक बाय बाय दोस्तों।